अरे भाई जाने को कौन चाह रहा है जो आप नहीं आने दिए। कहीं से न कहीं से पूरे भाजपा में बेचैनी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहा है और इसका मकसद और इसका लक्ष्य आने वाले लोकसभा चुनाव में एक ही है, और वो है कि भाजपा को इस देश की सत्ता से अलग। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार दौरे पर थे। बिहार के अनेक जगहों पर जो है उनकी रैली थी, तो वहीं अमित शाह ने बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला था, जिसको देखते हुए बिहार सरकार में वित्त मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने जोरदार हमला बोला है। और उनका यह साफ कहना है कि जिस तरीके से अमित शाह ने रैली में बोला कि हम कई योजनाओं का लाभ बिहार वासियों को दे रहे हैं, लेकिन उनका दावा फेल है, कोई योजनाओं का लाभ केंद्र सरकार नहीं दे रही है, तो वहीं देखा जाए तो विजय चौधरी ने यह साफ कहा है कि नीतीश कुमार NDA में कतई नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। वो जिस तरीके से महागठबंधन में हैं, वो आगे भी महागठबंधन के साथ रहेंगे। तो वहीं क्या कुछ कह रहे विजय चौधरी, बिहार सरकार के वित्त मंत्री, वो सुने आप। होती होगी जी भाई, बिना नीतीश कुमार के हम लोगों का कोई भविष्य नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं को शायद लगता है समझाने के लिए कह रहे थे कि भाई अब हम नहीं लेंगे। नहीं तो हमें तो इसका कोई औचित्य नहीं दिखा, जो कोई उसमें भी भारत सरकार के गृह मंत्री और पार्टी सोपान में भी नंबर दो माने जाने वाले, इस तरह का बयान तो वैसे दे नहीं सकते। इसी तरीके से क्या कहा उन्होंने, एक तरफ तो देखे हम लोग जो परेशानी में थे तिथि जानने के लिए कि नीतीश कुमार किस दिन तेजस्वी जी को सत्ता सौंपेंगे, वो तिथि जानना चाह रहे थे। और बिहार के लोगों की तरफ से या बिहार के लोगों को तिथि बताना चाह रहे थे। दूसरी तरफ यह भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार फिर लालू जी को भी धोखा देंगे। अब आप समझिए, उनके अलग अलग बयानों को मिलाइए कि कब सत्ता सौंपेंगे, इसकी भी हड़बड़ी है उनको, और लालू जी को धोखा देंगे ये भी पहले से उनको जानकारी है। तो इतना उच्च पदासीन व्यक्ति का इस तरीके से उलझन भरी सोच, ये कहीं न कहीं कोई निराशा का भाव ही प्रदर्शित करती है। अन्यथा जब भाजपा जो जदयू या राजद, चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी हो, दोनों ने अनेक बार कहा है कि हम लोगों के गठबंधन में खास तौर से राजद जदयू की आपसी समझदारी पक्की है, परफेक्ट है, और हम लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं है, राजनीति अपने स्वाभाविक गति से चलेगी और महागठबंधन मजबूती से नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहा है, और इसका मकसद और इसका लक्ष्य आने वाले लोकसभा चुनाव में एक ही है, और वो है कि भाजपा को इस देश की सत्ता से अलग कर। तो फिर अपनी चिंता नहीं करके बिहार में नीतीश जी कब तेजस्वी जी को सत्ता देंगे ये तारीख के लिए परेशान है, तो ये सब आखिर क्या है? अपनी बात उन्होंने बिहार के लिए क्या किया ये तो कभी नहीं बताया। जो बिहार को मदद करने की योजनाएं पहले से चली आ रही थी
उन सब में केंद्र की हिस्सेदारी, भागीदारी या मदद उसको लगातार घटा के बिहार राज्य के अपने वित्तीय संसाधन पर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं, इसकी तो चर्चा उन्होंने नहीं की। और आज हकीकत यही है ना कि हम लोग अपने संसाधन के बल पर या जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमारे यहां से ही जो कर वसूले जाते हैं उसमें हमारी जो हिस्सेदारी है वो हमें मिलती है, उसकी ही बदौलत आज देश में हमारी उपलब्धि हर विकास के मानक पर जो राष्ट्रीय औसत है उससे ज्यादा है। ये तो हमारे सरकार या हमारे शासन की प्रामाणिकता है जो हम हर मानक पर राष्ट्रीय औसत से लगभग ऊपर है, और ऊपर रहने के बावजूद हम लोग गरीब हैं। ऐसे ही स्थितियों के लिए तो विशेष मदद या विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान किया गया है जो बिहार के लोग चाहते हैं, और इसमें तो सब पार्टियों ने मिल के ये निर्णय और ये मांग की थी, भाजपा उससे अलग नहीं थी, और भाजपा आज केंद्र में शासन में है तो उनको ये भी बताना चाहिए ना जो हम विशेष राज्य का दर्जा या विशेष मदद क्यों नहीं दे रहे हैं, और जो पहले से केंद्रांश मिलता था उसमें भी हम कटौती क्यों किए जा रहे हैं। इस सब के संबंध में तो कुछ नहीं कहा। अरे भाई जाने को कौन चाह रहा है जो आप नहीं आने दीजिएगा। तो इसलिए हमें जो एक चीज स्पष्ट दिखा या लगा वो यही है कि कहीं से न कहीं से पूरे भाजपा में बेचैनी है और सब लोग मैंने अकबकाहट में, क्योंकि इस तरह की भाषा, उठपटांग भाषा जिसका कोई अर्थ नहीं हो, ये लोग उसी समय बोलते हैं। तो हम लोग बिहार वासियों के तरफ से ये जानना चाहते हैं कि आपने कहां मदद की है बिहार की। और चूंकि बहुत लंबा चल जाएगा और हम लोग अनेक अवसरों पर बताते भी हैं, हमारी प्रामाणिकता या हमारी उपलब्धियां तो ऐसी हैं कि हमारी उपलब्धियों को देख के उसको मॉडल मान के आपने पूरे देश में उसे लागू किया है। तो आपने सुन लिया किस तरीके से अमित शाह के बयान पर जोरदार हमला बोला है विजय चौधरी ने। विजय चौधरी का यह साफ कहना है कि एनडीए में कभी शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार, तो वहीं अमित शाह ने जिस तरीके से बातें की है कल रैली में, इसका कहीं ना कहीं उदाहरण जो है वो सामने है। और अमित शाह ने जो है वादा किया है, दावा किया है, वो कुछ नहीं किए हैं अभी तक बिहार वासियों के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।